जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस तरह का है कि काफी सारे लोग उससे डरे भी रहते हैं और हर बंदे के मन में वो क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन ये है कि काफी सारे लोगों का कहना यह है कि हमने जो भी पुराने यात्री यात्रा पे गए हैं या जो हमने सुना है वो ये सुना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत आती है और यात्रा करने में परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है 10-12 साल का पिछले, उसके हिसाब से जो मैंने महसूस किया है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो ऑक्सीजन ना होने पर मैंने कुछ सावधानियाँ बरती हैं, वो मैं सब आप यात्रियों को बताऊँ। और जब जो पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, तो बाकी जो जा चुके हैं उन्हें मालूम ही होगा कि कितनी दिक्कत रहती है कितनी नहीं रहती है। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं वो अपने मन में डर पैदा ना करें, क्योंकि डर पैदा करने से ही 50% दिक्कत तो वैसे खड़ी हो जाती है इंसान के मन में। अगर इंसान ने सोच लिया कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो कारण चाहे कुछ भी हो आपको लगेगा नहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, तो जो एक्चुअल कारण होगा आप उसे भूल जाएंगे और आपका फोकस जो रहेगा ऑक्सीजन की कमी पर रहेगा। ऑक्सीजन की कमी है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो भक्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए अगर 50 किलोमीटर की यात्रा में बाबा जी की ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो कोई बंदा चल पाएगा क्या? 4-5 दिन नहीं चल पाएगा ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन की दिक्कत है, ज़रूर है, और काफ़ी जगह पे है। तो मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में कि कहां कहां पे है और दिक्कत होने पे आपको क्या क्या करना है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहलगाँव में कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। आप चंदनवाड़ी पहुँचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने पिस्सू टॉप पे बोलते हुए सुना है कि ऑक्सीजन की दिक्कत है यार, इसे दिक्कत। ऐसा नहीं है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है खड़ी चढ़ाई है, तो आपको वहाँ पे चढ़ाई चढ़ने में परेशानी होगी, क्योंकि आप चलेंगे तो जब आप स्टेप चलेंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी लगेगी, तो आपको सांस लेने में दिक्कत, आपकी सांस फूलेगी। वही आप प्लेन में चले तो नहीं फूलेगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की दिक्कत से आपकी सांस फूल रही है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले करना है, आपको छोटे छोटे कदमों से मतलब टाइम लगाना है। पिस्सू टॉप चढ़ने में आपको टाइम लगाना है। जब आप छोटे छोटे कदमों से चढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी पूरा कर पाएंगे, बजाय इसके कि आपकी सांस फूल गई आप बैठ बैठ के चढ़ रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप शुरू से जैसे पिस्सू टॉप आएगा स्टार्ट होगी यात्रा, तो आप छोटे छोटे कदमों से चढ़ना शुरू करें। आराम से आप 1.5-2 घंटे में पिस्सू टॉप चढ़ लेंगे। उसके आगे सारा रास्ता प्लेन है, ऊपर पिस्सू टॉप भंडारे हैं, भंडारे खा के आप हल्का फुल्का नाश्ता लेके आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात, यात्रा कभी भी भूखे पेट स्टार्ट ना करें और ना ही ज़्यादा खाएं। हल्का फुल्का लें, हल्का फुल्का हर जगह भंडारे हैं, बीच में थोड़ा सा खाया यात्रा की, थोड़ा सा खाया फिर यात्रा की, ऐसे ऐसे करें। इस तरह से आप करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऊपर पिस्सू टॉप पे नहीं है बिल्कुल भी। आप शेषनाग तक जाएंगे, सारा प्लेन है, हल्का फुल्का, ऊपर आगे जोजीवल भंडार आता है, वहाँ भी हल्की सी उतरान है, हल्की सी चढ़ाई है, झरना आएगा काफ़ी अच्छा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। शेषनाग पहुँचने से पहले 1 किलोमीटर पहले आपको हल्का हल्का महसूस होना शुरू होगा, वहाँ पे वाकई में ही ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं हल्की सी, क्योंकि वो पहाड़ियों में घिरा हुआ है और हाइट पे भी है और बर्फ़ भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मैक्सिमम यात्रियों को हल्का सा महसूस होता है। उसमें भी सेम आपको ऐसे करना है, जैसे आप स्टेशनक पहुँच के आपको हल्का सा लग रहा है, आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और हल्के हल्के कदमों चलते रहें, आप अपने टेंट तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आएगी। शेषनाग में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है ठंड की। वहाँ शाम को आप पहुँचने के बाद अपना 6-7 बजे तक जो भी भंडारों में खाना है खा के आप अपने टेंटों में आराम करें, रात को बाहर ना निकलें, क्योंकि शेषनाग में दिक्कत आती है ठंड की, बाकी ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब आप शेषनाग से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो गणेश टॉप या माघोना टॉप कहते हैं, वहाँ पे ही ऑक्सीजन की दिक्कत है। जो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी है, तो उसी वही एरिया एक ऐसा है जहाँ पे वाकई में ही ऑक्सीजन की दिक्कत है। उसके लिए कई यात्रियों का एक्सपीरियंस रहता है कि आप सुबह जल्दी निकलें तो धूप कम होती है, तो आपको थकान कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी थकान भी होगी, ऑक्सीजन दिक्कत होगी और चलने में दिक्कत होगी। तो शेषनाग से आप सुबह जल्दी जल्दी निकलें ताकि आप गणेश टॉप क्रॉस कर दें फटाफट, ताकि जो ऑक्सीजन वाली दिक्कत है वो आपको ना हो। गणेश टॉप में है वाकई, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब पूरी यात्रा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कम जो है गणेश टॉप पे ही है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हल्के हल्के कदमों से मुंह बंद रख के नाक से सांस लेनी है, आपस में ज़्यादा बात नहीं करनी है, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, आप नीचे ना बैठें, ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि आपकी बॉडी का अगर ब्लड ठंडा हो गया तो आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, आप 10 कदम चलें गिनती के, फिर डंडे के सहारे थोड़ा झुक के खड़े हो जाएं।
फिर आप 10 कदम चलें, नहीं 10 कदम चलें, आप 3 कदम चलें, पर एक कंटिन्यू रखें, 3 कदम चलें, 2 मिनट रुकें, 3 कदम चलें, 2 मिनट रुकें, तो आप आराम से गिनीज स्टॉक क्रॉस कर जाओगे, मेरा ये मतलब पक्का विश्वास है। लेकिन आप रेगुलर चल रहे हैं और बैठ जा रहे हैं 15 मिनट, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड जो है ठंडा हो जाएगा, तो दोबारा जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको जकड़न महसूस होगी, नहीं चल पाएंगे आप, बड़ी परेशानी होगी। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत होती है या यात्रा में जब भी दिक्कत आती है, आप 3 कदम चलें, 1 मिनट वेट करें, फिर 3 कदम चलें, आप 1 मिनट वेट करें, आप मैक्सिमम आधे डेढ़ घंटे में आप क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद तो फिर खड़ी उतराई है, बहुत उतराई वाला रास्ता, कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो उतराई उतराई आप चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ टाइम देने का टाइम देने की ज़रूरत है, वहाँ आप ज़रूर टाइम दें, जैसे पिस्सू टॉप पर टाइम दें, गणेश टॉप पर टाइम दें, आगे पोषपति जी का भंडारा आएगा, पोषपति वालों का भंडारा है वहाँ पे, उस भंडारे में लंगर वंगर खाएं, उसके बाद उतराई है। आपका पंचतरणी तक पूरी उतराई उतराई है, कहीं चढ़ाई है ही नहीं रास्ते में, तो बड़े आराम से आप पंचतरणी पहुँच जाएंगे। पंचतरणी पे भी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब अगले दिन आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, गुफा पे पहुंचेंगे, तो पंचतरणी से गुफा तक भी कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन की। अब बस एक ही जगह बसता है, जहाँ बाबा जी गुफा है, जहाँ आप सीढ़ियों से चलना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ लोग एक गलती करते हैं बहुत बड़ी, कि जल्दी जल्दी चलते हैं सीढ़ियों पे ना, कि फटाफट मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, ऐसा ना करें। आप सीढ़ियों पे आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलें, आराम आराम से अपने ऊपर लेफ्ट साइड में ही जूते रखने के लिए जूता घर है, आप वहाँ जूते रखें, अपने हाथ धोएं, उसके बाद बड़े आराम आराम से दो दो सीढ़ी चढ़ के सांस लेके दो, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब कम है, लेकिन ऑक्सीजन की दिक्कत वहाँ पे भी है। बाबा जी की गुफा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो काफ़ी लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हल्की सी ऑक्सीजन की दिक्कत है गुफा के पास, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका स्टैमिना अच्छा है तो आप सीधा चढ़ जाएं, मुझे दिक्कत नहीं उससे, लेकिन हाँ इसको हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है, दो दो सीढ़ी, तीन तीन सीढ़ी, गुफा पे पहुँचेंगे, दर्शन आपके हो ही जाएंगे, कहीं जाना तो है नहीं, घर तो जाना नहीं है, रुकना तो गुफा के पास ही है, तो क्यों ना आराम आराम से अच्छे, ताकि आप जब तक बाबा जी के दर्शन करने पहुँचें तो बिल्कुल आप रिलैक्स हों, ऐसा नहीं थके हारे बस बाबा जी देखा सांस फूल रही है, दर्शन किए और फटाफट आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। तो आप गुफा तक पहुँचते पहुँचते आराम से पहुँचें, तो वहाँ पे हल्का सा है बाबा जी के दर्शन करने के बाद। और बालटाल रूट पे कहीं भी ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है, बालटाल रूट पे होता ये है कि खड़ी चढ़ाई है, तो जो आने वाले यात्री होते हैं जब वो चढ़ रहे होते हैं तो खड़ी चढ़ाई की थकान की वजह से उनको सांस फूलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सांस फूलती है, उसके स्टेप वही है। आप आराम आराम से यात्रा करें, छोटे कदमों से यात्रा करें, हल्का फुल्का कुछ खाते रहें, बीच में पानी वानी पीते रहें, ये सब करने से आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपको मैंने पूरी यात्रा बता दिया, जिसमें मेन जो था आपका वो था आपका गणेश टॉप, गणेश टॉप या मागुना टॉप कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की वाकई में दिक्कत है, या दूसरा है गुफा के पास। बस इसके अलावा पूरी यात्रा में आपको कहीं भी ऑक्सीजन के नाम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आप यात्रा करेंगे। उसमें अगर आप छोटे छोटे कदमों से यात्रा करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बाबा जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। और जितने भक्त यात्रा पर जा रहे हैं वो इस बार महसूस करें, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो सही है नहीं है, आके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर मैं 10-12 साल से यात्रा कर रहा हूँ या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ सभी भक्तों तक पहुँचे, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया होगा जब भी पता चला ना यार, मुझे भी किसी ने बताया होगा जब भी पता चला, या मैं वहाँ मुझे बाबा ने बुलाया जब पता चला, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि इस चीज़ को मैं आगे से आगे बढ़ाऊँ। तो आप भी खुद भी सुनें, जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको भी ये चीज़ भेजें, ताकि वहाँ जाके किसी को भी दिक्कत ना हो, और जो भी मन में थोड़ा वो डर है वो डर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ ऑक्सीजन की दिक्कत होती तो जो हर 10-12 साल से यात्री जा रहे हैं वो नहीं जा रहे होते, एक साल मत्था टेक के आराम से अपने घर में बैठ गए होते, ऐसा नहीं है। मज़ा ही लगे बाबा जी के दर्शन करने का, और जो एक बारी बाबा जी के दर्शन कर लेता ना फिर रुकता नहीं है वो, तो इसलिए आप भी अपनी यात्रा पर जाएं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।